Hey guys, what's up? Good morning, नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सभी को प्रणाम है, स्वागत है हमारी YouTube चैनल मिस्टर मिसेस राज में। गाइज क्या मस्त मेरे को लग रहा है, सीरियसली गाइज आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि क्या होने वाला है आज के व्लॉग में। अचानक से एकदम से कल प्लान बना कि सभी लोग कहीं जाएंगे घूमने और वो भी मेरे घर पहले आएंगे। मैंने बुलाया इनको कि आओ, आप लोग इतने दूर आए हो, मुझे उम्मीद तो नहीं थी लेकिन सब लोग आ रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है ऑल द वे। और नेहा दीदी आ रही है, सरिता दीदी आ रही है, कितना ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हारे घर पे। एक्चुअली वो लोग बुला रहे थे, मैंने बोला कि यार आप लोग भी तो आ जाओ, इधर से भी हम लोग कहीं जा सकते हैं। तो वो लोग आ रहे हैं, मेरे को अंदर से इतनी ज्यादा खुशी है ना कि मैं खुशी को बयां नहीं कर सकता हूँ। खैर मुझे पता है कि आप लोगों को भी व्लॉग देख के बहुत मजा आ रहा होगा, आप लोग बहुत अच्छा लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, क्यों नहीं लगे भाई। तो चलते हैं अभी फिलहाल, आप लोगों को व्लॉग आप लोग देखना, अभी तो वो लोग आने वाले हैं। मैं सुबह के लगभग कितने बज रहे हैं, 5:59, 6 बज रहे हैं और मैं मार्केट में आया हूँ क्योंकि सब अदरक वाली चाय पीते ना। मुझे डाउट है कि मेरे घर में शायद अदरक कम हो, बचाओ, तो मैं बोला कि चलो यार अदरक तो जरूर ले लेते हैं एक बार और अदरक वाली चाय बनेगी फिर उसके बाद। तो आप लोग बने रहना व्लॉग में एंड मिलते हैं अभी, आप लोग इंजॉय करो। सुबह 6 बजे देखो ये हमारा जो रोड है ना वो कितना खाली रहता है, एकदम 1-2-4 लोग रहते हैं, ज्यादा लोग नहीं रहते हैं लेकिन इतना खाली खाली सा है तो कितना सुंदर लग रहा है। सो गाइस पीछे आ चुकी है जेठू भैया की कार सरिता दी के साथ और अब मचेगा तबाही। मैं चला गया था थोड़ा सब्जी वगैरह लेके आने, ले भी आया और अब चलते हैं घर पे, घर पे गाड़ियां लगेंगी अब। ये देखो सुबह 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 जेठू भैया की जय। चलो आ जाओ, अब तो जाइज नहीं है मेरे यहाँ। ये कौन है, इसको लेके आ गया है? हाँ आप लोग पहचान नहीं रहे ना, तभी सरिता दी को उठाओ, इनको इनको नहीं, इसको बिस्किट खिला सकता हूँ। हाँ हाँ खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टिंक दीदी टिंक चिक्की। तो यहाँ पे अब सब लोग फाइनली घर पे आ चुके हैं, तड़कते भड़कते। नो जेरी, जेरी सरिता दी डरती हैं। नो नहीं 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 कटेगा, आजा आजा पास आजा, कुछ नहीं करेगा, सूंघ के पहचान जाएगा बस, हो गया। अरे तो मेरे से पहले घुस गए घर में, ये ऐसी घड़ी तो मेरे खुद उनने दिया है शबनम दीदी ने। खूब जियो, खूब माल कमाओ, खूब नाम कमाओ। आप कति इतना इतना खतरनाक इंसान नहीं थी का पीछे? गाइस अभी करंट आज पता नहीं क्यों ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। खुश रहे तू सदा, ये दुआ मेरी। मारे एक रप्पा तो अब नेहा दी और सरिता दी अपने रूम में चल रहे हैं। बेड का साइज ही पता, पंखा तो चला लो, वहीं वहीं से फैन चल जाएगा। अरे तारीफ तो कर दो कम से कम रूम की, सजा बहुत सुंदर बना रखा है यार, दम होटल वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं? एकदम होटल, हमारे जेठू जी को इतना पसंद है भाई। अरे खिड़की खोल देता हूँ बस, जाली वाली रहेगी वो शीशे खोल देता हूँ, लाइट ऑफ करेंगे बहुत सब वो हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर अभी नेहा दी आ चुकी है और यहाँ हेमंत बताएगा कि नेहा दी का पूल कहाँ है, बता मासी का पूल कहाँ है? मासी का पूल वाला, वो रहा मेरा। अरे यहाँ पे पूल में पानी भर रहा है, लाइट कट गई फिर से।
अरे यार मोटर बंद हो गया, कटी नहीं, चलाना पड़ेगा फिर से। अभी लाइट की दिक्कत नहीं हो रही, मोटर की दिक्कत नहीं, लाइट कट के आ रही है ना, तो वो अपने आप बंद हो जाता है। सो गाइस, आ चुका हूँ घर के टॉप फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे तो नहीं आया हूँ, मतलब सेकंड फ्लोर पे। सब लोग अपना आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, और आज दूध वाला भी बहुत लेट कर दिया, पता नहीं क्यों, नहीं तो हर रोज़ तो एकदम जल्दी आ जाता, आज थोड़ा लेट हो गया है। और आज करंट भी दिक्कत कर रही है, एकदम फ्लक्चुएशन हो रहा है उसमें बार बार, बारिश की वजह से शायद, क्योंकि बारिश बहुत हुई ना रात को भी, अभी भी आप देख सकते हैं काली घटाएँ कैसी छाई हुई है। सूर्योदय हो चुका है लेकिन सूरज अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि अस्त होने को है, बट चलो कोई बात नहीं है, अभी मस्त इन्जॉय करते हैं। अच्छा लग रहा है घर में सब लोग आ गए ना, तो भरा भरा ऐसे घर रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी सा फील होता है। तो सब लोग चूँकि रात भर जागरण ही हुआ है, सबको थोड़ी देर सोने देते हैं, उसके बाद जैसे सब उठेंगे फिर अपना आगे का जो भी होगा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ ये डाल ले, तब तो 3 घंटे बाद डालती हूँ मैं। तो यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई चल रही है, किसने क्लिक किया ये पूछ, घोड़े घोड़े की पूछ। ये अरे गौर से देखो, नया दी रिकॉर्ड हो गया, आपने जो बोला उसको 3 बार मैं रिपीट करके डालूंगा, सबको पता चलेगा सच्चाई क्या है। ये देखो ये रास्ते पे छतरी लेके, ये वही वाली छतरी है। अच्छा ये छतरी तो मैंने हैदराबाद में खरीदी थी, ये छतरी पता है क्या हुआ, ये किसी और की छतरी थी। अरे वो ऐसे सामने से कोई आ रहा था तो मैंने बोला हेलो, तो बोले हेलो, मैंने छाता दे दो, वो देके चली गई, चली गई, चली ही गई। और छाता फिर रिटर्न नहीं करा? नहीं। ओ भाई साहब खतरनाक लोग कॉलोनी में, पता नहीं था कहाँ की रहने वाली है वो, कौन थी, वो इतनी खुशी खुशी मेरे को देके गई। पहचानती थी क्या? तो बोले हाँ, ले। पहचानती थी क्या सब्सक्राइबर? चलो कोई बात, तो आप देख सकते हो मेरा कंटेंट कैसे पूरा हो रहा है। इन लोगों की बातें दिखा दिखा के। वैसे मैं देखो, जब मैं अभी मिला था ना आप लोगों के घर, तब सबका कमेंट आ रहा था कि सचिन भैया इस बार आप नेहा दीदी से मिले ना तो वो वाला मतलब बात नहीं लगा, दम नहीं लगा, नेहा दीदी लगता है उखड़ी उखड़ी सी। तो मैं बोला कि इनको जान प्यारी है अपनी भाई, अभी और जीना है इनको, मेरे से नाराज होकर कोई दुश्मनी क्यों लेगा खाम का। और इनके जैसे हट्टे कट्टे लोग डरते हैं मेरे से, बताओ, पहले इनसे जमाना डरता था, अब इनसे, अब ये मेरे से डरती है, ताकत देख रहे हो। मजाक क्या, कल से क्या कर, मेरा पति बिना सोए यहाँ आया है? नहीं यार, सचिन ने बुलाया, और इनके पति ने मेरे को जबरदस्ती सुलाया था। कहते कि तुम सो जाओगे ना मैं सुबह आ जाऊंगा, मैं तो सो गया, सुबह आया नहीं, मैं बोला ठीक है मौके का फायदा मैं बोलूंगा, अब ये लोग आएंगे। तो आए सब लोग, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, यहाँ थोड़ा सुकून सा लगता है, शांति नहीं, हमारे घर पे गुड़गांव में भी शांति थी, नहीं वहाँ पे शांति तो थी लेकिन वहाँ पे घूमने का मन करता है, दिक्कत ये है वहाँ पे, अब यहाँ बैठो ना, यहाँ घूमने का मन नहीं करेगा, यहाँ मन करेगा कि यहाँ टाइम एंजॉय करो, वहाँ रहो ना तो ये दिमाग में रहेगा कि यार मार्केट चले, मॉल चले, यहाँ चले, वहाँ चले, क्योंकि वहाँ पे सब नज़दीक में है, यहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है ना जाते जाते, तो इसलिए सबको लगता है कि यार चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, आलसपन आ जाता है, रिलैक्स करो, मस्ती करो, तो टाइम निकल जाता अपना। और मैंने अपने हाथों से नेहा दी के लिए चाय बनाया है, तो कभी तो क्रेडिट दे दो, झूठ का सच का नहीं, नहीं मैं बनाने जा रहा था लेकिन मेरे को सत्ता जी ने बनाने नहीं दिया, यहाँ इनके एडिटिंग चल रही है। ये देखो मामा की शिकायत कर रहा है पापा से। और ये लाइट कट गई बेटा, मेरी क्या गलती है? ये तो देख, मैं बिजली विभाग वाला थोड़ी हूँ। बारिश के पता नहीं यार, ये शादी के बाद ये हाल हो जाता है अच्छे अच्छे पतियों का। चलो तो गाइस, ऐसी ऐसी दीदी हो ना तो क्या कहना, वैसे सरिता दी मेरे को बहुत अच्छी लगी इस बार। इसको तो शुगर दही लेते हो? ऐसी स्थिति आई और इसमें रिपोर्ट में आ गई शुगर ना, इसी महीने को मम्मा को चाहिए और इसी महीने रिव्यू दिए मेरे को काम है शुगर, इसको मुझे चाहिए। हां तो कल जाना है, किसको पूछा? Yeah.
अरे हाय करो, मैं खाना कैसा हुआ बताओ तो सही। मैं तो खाऊंगी नहीं। क्यों, आप क्यों नहीं खाओगे? मेरा आज एकादशी है, आज तो खाना भी नहीं खाऊंगी। अच्छा, खाना भी टाइम पर जरूरी है, व्रत मन को बनाना तो टाइम जरूरी है। खाना कैसा बना देखो, कि मनुष्य ने बनाया शानदार। ये सच्ची मामा ने बनाया पूरा। चुप हो जा, पहले खाना खा ले। चल उठो चुप। आज ने काटे हां, इन राशिद्रा ने पनीर ने काटा। लोगों को पता चली क्या नहीं है? अरे पहले बंद क्यों, ये बताऊं कि प्याज तुमने काटे, पनीर ये तुमने फ्राई किए, तो गालियां नाटी के बेमतलब की काटने बंद करो। तुम्हें पता है नहीं काटते, और तो अच्छा लगेगा हमें अपने हाथ से बना के खिलाने में मजा आता है। इंस्टेड ऑफ अगर कोई होता भी ना तो भी साइड करके चार लोग होंगे तो अपने हाथ से ही खिलाते। हाँ तो गाइस फाइनली अभी सारा कुछ खाना पीना चल रहा है, अच्छा लग रहा है। सब लोग पहली बार मतलब मैं इस तरह सबको खिला रहा हूँ। नहीं आप सोच रहे हैं कि चलो आज इनका व्रत एक ही बार खाएंगे, बनाना शेक बनेगा। मेहमान ने क्यों व्रत लिया? एक बात बताए, खाना खाना है अभी, ये खाना खाते ही। एक मैं बात बताए क्या, नीचे मुझे ये नीचे सोई हुई थी, मैं बोली हुआ क्या तेरे को, तू दुख ही नहीं मुझे सुबह से, मैं बोली चल तो सही ऊपर बॉडी पेन हो रहा था, दवाई खाया तो उठी थी ना तीन चार बार, नो ब्लड प्लीज बात ब्लड प्रेशर बढ़ गया मैंने। सच्चाई देखो, छुपाए छुप नहीं सकती, सच्चाई छुपाए छुप नहीं सकती, हकीकत बयां हो ही जाती है। ज्यादा ये पूरा बोल दिया, ये कट कर देना भाई। मैं पहले भी खून नहीं पीती थी और अभी भी खून नहीं पीती हूँ। पागल है, ये कट देना। एक स्पून है बस। अरे मेरे को दाल टेस्ट करना है, मैंने बनाई है वो, हटाओ तो इसी में डाल दो। नहीं नहीं, अरे यार वेस्ट हो रहा है इतने में, आप क्या मतलब बोल रहे हो जरा बताओ, कितना सब हो रहा है। ओ तासी नहीं आई है, अच्छा